नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है ऑनलाइन ट्यूशन सेंटर पे। और जैसा हमने पीछे किए हैं कि टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चले हुए थे, डायपोल और उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स, और आज हम एक नए टॉपिक्स के साथ आए हैं और वो टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम। नीट के एंगल से या पीएमटी के एंगल से या आईआईटी के एंगल से और बोर्ड में भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इसको आप ध्यान से समझें और सुने। तो आओ दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम पे जाने से पहले हम करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के साथ एक और टॉपिक आ जाता है जिसका नाम हमने यहां पे लिया नहीं है, और वो है एरिया वेक्टर। तो पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं एरिया वेक्टर क्या होता है। जैसे स्टूडेंट्स आपने 11th में पढ़ा है कि एरिया एक कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर। पर अब मैं यहां पे एक वर्ड इसके पीछे लगा रहा हूं जो आपको अजीब सा सुनने को लग रहा है कि एरिया वेक्टर, क्या एरिया वेक्टर हो सकता है? हो सकता है, हम बना सकते हैं इसको। कैसे बनाएंगे देखो, लेट वी हैव ए सरफेस एरिया दिस एंड डिवाइडेड इनटू मेनी फर्दर स्मॉल एरियाज। ऐसे हमने बहुत सारे स्मॉल एरियाज में ये डिवाइड कर दिया, ऐसे अलग अलग दिखाई, और मैं आपको दिखाने के लिए कि इसके बीच में ले लेता हूं छोटा सा सरफेस एरिया। ये इस सरफेस एरिया के ऊपर अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करें, जैसे ये मैंने मार्कर इसके ऊपर रखा, मार्कर ने लगभग इसका पूरा एरिया कवर अप कर लिया, ये मार्कर बॉटम है, मार्कर का इस बॉटम ने पूरा इस एरिया को क्या कर लिया, नियर अबाउट कवर। और जो ये मार्कर इसके ऊपर क्या है, बिल्कुल क्लियर देख रहे हैं, 90 डिग्री बना रहा है कि नहीं बना रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं मार्कर इज द नॉर्मल ऑफ दिस एरिया, मार्कर इज द नॉर्मल ऑफ दिस एरिया, मींस कि मार्कर 90 डिग्री एंगल बना रहा है इस एरिया के साथ। तो इसका मतलब ये मार्कर का जो बॉटम है इस एरिया को पूरे को कवर अप कर रहा है। ये तो हो गई इसकी डायरेक्शन और ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड। इसका मतलब एरिया के पास दोनों चीजें हम बना सकते हैं, नॉर्मल उसके डायरेक्शन बता रहे हैं, और जो नीचे इसके जो अब आपको देख रहे होगे ये इसका क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड। इसका मतलब हम एरिया वेक्टर को लिख सकते हैं डीएस स्मॉल सरफेस एरिया। अगर हम वेक्टर बनाएंगे तो इसके ऊपर क्या लगाते हैं, एरो। तो डीएस इज इक्वल टू इसके ऊपर जो नॉर्मल बनाया था उस नॉर्मल को हम लिख लेते हैं एन कैप, और जो इसका मैग्नीट्यूड है वो हम क्या लिख लेते हैं, डीएस। अब स्टूडेंट्स आप एक बार 11th की वेक्टर वाला टॉपिक रिमाइंड करेंगे, उसके अंदर हमने वेक्टर को क्या डिफाइन किया था, वेक्टर आर द फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। डीएस क्या दे रहा है यहाँ पे, मैग्नीट्यूड, और एन कैप क्या हो गया इसका, जो अभी हमने नॉर्मल बताया था वो दे रही है इसकी डायरेक्शन। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होने के बाद एरिया कौन सी क्वांटिटी बन गया, वेक्टर क्वांटिटी। तो इसलिए हम गॉस थ्योरम पे जब जाएंगे तो गॉस ने ये कहा कि पहले भाई हमें छोटा सा एरिया को क्या बनाना पड़ेगा, वेक्टर। तो इसलिए हम कह सकते हैं कोई भी एरिया जिसके ऊपर हम छोटा सा नॉर्मल ड्रॉ करें और वो नॉर्मल उसकी डायरेक्शन देगा, और नॉर्मल डायरेक्शन देने के साथ मैग्नीट्यूड अपने साथ ही है, तो हम कह सकते हैं कि एरिया क्या बन जाएगा, वेक्टर। अब जो एरिया वेक्टर बना इसको लेकर के हम फ्लक्स को डिफाइन कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। Let's see, we have two plates. One plate have positive charge and another have negative charge. Then the electric field travel out towards negative direction from the positive charge. Electric field की direction आपकी रहेगी positive charge से negative की तरफ। इसके अंदर हमने ये अलग अलग एरियाज रख दिया, एक दो तीन, एक ये सरफेस एरिया, एक ये सरफेस एरिया और एक ये सरफेस एरिया। आपको डिफरेंस तो क्लियर हो रहा है कि भाई ये सबसे छोटी है, ये उससे बड़ी है और ये उससे बड़ी है, पर एक बात और क्लियर हो रही होगी कि जो ये छोटा सरफेस एरिया है इसमें से कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, एक। बड़ा है इससे जो दूसरे नंबर पे है उसमें से कितनी हो गई, एक दो तीन, और जो सबसे बड़ा है एक दो तीन चार चार,
चार तीन एक, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस एरिया से कम और ज्यादा और ज्यादा, तो इसका मतलब सबसे कम फ्लक्स हो गया इसके ऊपर, उससे ज्यादा और उससे भी ज्यादा। इसका मतलब ये है कि हम यहां से डेफिनेशन दे सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सिलेक्टेड एरिया, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम पीछे कर चुके हैं, पासिस थ्रू ए सिलेक्टेड एरिया, उसको हम क्या कहेंगे भाई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम नोट करते हैं फाई से, और फाई को मैथमेटिकली टर्म में हम दे सकते हैं इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डीएस। इसको मैं समझाऊंगा कैसे लिखा है हमने, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डीएस। ई डॉट डीएस इसलिए लिखा, डीएस ऊपर लिखा हुआ है, अभी क्या है डीएस, डीएस वेक्टर इज इक्वल टू एन कैप इनटू डीएस, दैट इज एरिया वेक्टर। यानी कि कोई भी सरफेस लेते हैं, उस सरफेस का जो भी एरिया होगा, उस एरिया के डॉट प्रोडक्ट करें किसके साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, और फिर पूरे का हम सम कर देंगे, तो वो आपका क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जैसे इसको एक्सपेंड करके देखते हैं, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डीएस, दैट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। डॉट प्रोडक्ट को हम कैसे करते हैं, ए डॉट बी, दैट इज ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड एंड कोस ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो ये हम फार्मूला, ये आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं हम इसके ऊपर, ई का मैग्नीट्यूड डीएस का मैग्नीट्यूड एंड कोस ऑफ एंगल बिटवीन देम। या हम इसको लिख सकते हैं फाई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ई डी एस कोस थीटा। ये आप ध्यान रखेंगे, आगे यूज होगी ये रिलेशन, दिस रिलेशन इज इंपॉर्टेंट एंड ऑल्सो दिस रिलेशन इज इंपॉर्टेंट। ये हो गई इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में ये पूछा जाए, एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि देखो अभी यहां पे हमने दोनों वेक्टर्स यूज किए हैं। इसमें पूछा जाए तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसी क्वांटिटी होनी चाहिए, आपके हिसाब से कैसी होनी चाहिए। हमने पढ़ा था 11th में कि दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट जब हम करते हैं तो जो रिजल्टेंट आएगा वो रिजल्टेंट कैसी क्वांटिटी आती है, स्केलर। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि फ्लक्स दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट है, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो रिजल्टेंट कैसी क्वांटिटी आएगी, एक स्केलर। तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज आल्सो ए स्केलर क्वांटिटी। दूसरी बात ये रह गई कि हम इसके लिए डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना चाह रहे हैं, तो डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यहां से देखें इसी फॉर्मूले को हम ले रहे हैं, फाई इज इक्वल टू ई इंटू एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया, ऐसे लिख रहा हूं मैं, कॉस ऑफ थीटा, थीटा का तो कुछ होता नहीं है। अब बात रहती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। देखो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको बिल्कुल, मैं देख रहा हूं कि आपको किसी को याद मिलेगा नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कैसे निकालेंगे फॉर्मूला, बहुत सिंपल है। इलेक्ट्रिक फील्ड हम जानते हैं एफ बाई क्यू होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, और इंटू क्या कर लिया हमने, एरिया। अब फोर्स का आप सभी को याद है, क्या है फोर्स का, एम वन एल वन टी माइनस टू, और चार्ज का क्या होता है, ये भी सिंपल है, ए टी, और इंटू एरिया का क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर। तो अब आप इनको कंबाइन कर सकते हैं, क्या बनेगा, एम वन और कहीं है नहीं तो एम वन एज इट इज, एल वन और एल टू, यहां पे एल वन और एल टू कितना हो गया, एल थ्री, टी की पावर माइनस दो, और इस टी को और ऊपर लेके जाए तो टी की पावर कितना हो जाएगा, माइनस थ्री, और ए ये है, ए को ऊपर भेज दो, ए माइनस वन। तो डायमेंशनल फॉर्मूला अपने पास आ गया भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, एम वन एल थ्री टी माइनस थ्री और ए माइनस वन, वेयर ए क्या है आपका, एम्पियर। बाकी चीजें तो आपको पता है, ए क्या रहेगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बाद अब अपना हम ध्यान करते हैं भाई अपनी गॉस थ्योरम के ऊपर। गॉस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना स्टूडेंट्स, मैं अभी इसका डेरिवेशन करेंगे हम, और इसके डेरिवेशन के बाद इसके फिर एप्लीकेशंस हैं, और एप्लीकेशंस के बाद फिर हम इसके इंपॉर्टेंट जो न्यूमेरिकल्स आते हैं, किस टाइप के न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं इसके ऊपर वो डिस्कस करेंगे। तो गॉस थ्योरम क्या कहते हैं,
इसके लिए हम एक कंसीडर कर लेते क्लोज सरफेस, ये नेसेसरी एंड सुफिशियंट कंडीशन है गॉस थ्योरम के लिए कि आपको क्या लेनी है एक क्लोज सरफेस। इसके ऊपर हमने चार्ज कंसीडर कर लिया, सेंटर पे कोई चार्ज रखा है तो ऑब्वियस सी बात है इसके ऊपर भी चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव क्यू, ये हम कंसीडर करते हैं इसके ऊपर चार्ज है पॉजिटिव क्यू। यहां से इसकी डिस्टेंस ले ली हमने आर, या रेडियस भी कह सकते हैं आर। इसके ऊपर ये यहां पे आपको क्लियर करना चाहूंगा, मैं यहां पे एक छोटा सा सरफेस एरिया सेलेक्ट किया ये बात, जिसका मैग्नीट्यूड कितना लिया है ds। इसके ऊपर नॉर्मल ड्रॉ करें तो n कैप। अब देखो भाई, हमने जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कर रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में हमने एक प्रॉपर्टी बताई थी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर जनरेटेड बाय द पॉजिटिव चार्ज। यहां पे कौन सा चार्ज है पॉजिटिव, जनरेटेड बाय द पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये हुआ कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरफ है आपकी बाहर की तरफ, अगर यहां नेगेटिव होता तो क्या हो जाती अंदर की तरफ, पर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को जनरेट कर रहा है इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी डायरेक्टेड आउटवर्ड, नॉर्मल पे आउटवर्ड हो गया, और इसके ऊपर मैग्नीट्यूड क्या हो गया स्टूडेंट्स ds। अब इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, गॉस थ्योरम ये कहता है कि भाई किसी भी एरिया क्लोज एरिया के ऊपर जो फ्लक्स होता है, फ्लक्स को अभी हमने नोट किया था किससे फाई से, इज ऑलवेज इक्वल टू द, जो फ्लक्स आया था अभी मैं वही इक्वेशन लिख रहा हूं, ई डॉट ds आया था, is always equal to the 1 by epsilon naught time of total charge। ये definition बन रही है इसकी, एक बार और repeat कर रहा हूं मैं, according to Gauss theorem electric flux, ये भी electric flux ही है, is equal to the 1 by epsilon naught time, 1 by epsilon naught पता होना चाहिए, epsilon naught क्या बताया था हमने electrical permittivity, 1 by epsilon naught time of टोटल चार्ज। या हम इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटीग्रल ऑफ थ्रू ए क्लोज सरफेस ई डॉट ds इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ये गॉस थ्योरम है। अब हमें ये रिजल्ट प्रिडिक्ट करना है, निकालना है, डेराइव करना है, कैसे ये रिजल्ट आया, कैसे बना ली, इस डायग्राम की हेल्प लेते हैं हम। इसके बाद करें ये जो छोटा सरफेस एरिया हमने सेलेक्ट किया है ds, इसके ऊपर नॉर्मल एन कैप है और इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी वर्टिकली आउटवर्ड है e से नोट किया हुआ हमने, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज क्यू चार्ज कितना हो जाएगा, इसको हम लिख ले वेक्टर फॉर्म में लिखें तो e इज इक्वल टू k क्यू by r square into r cap, ये वेक्टर फॉर्म में लिखा है भाई, ध्यान करेंगे r आपका बाहर की तरफ है तो r square हो गया इस सरफेस के ऊपर, और r cap जो हम इसका ये पोजीशन वेक्टर नोट करते हैं, पोजीशन वेक्टर यानी कि ये यूनिट वेक्टर r cap ले लिया इसके ऊपर नोट किया है, और e vector इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज इक्वल टू होगा k q by r square into r cap, इसको बना लिया हमने फर्स्ट इक्वेशन। नाउ वी नो जो हमने पोजीशन इसे एरिया वेक्टर निकाला था अभी पीछे वाले टर्म में, तो एरिया वेक्टर आप देखें एरिया वेक्टर क्या था अपना ds वेक्टर इज इक्वल टू n कैप इनटू ds, ये आया था वहां पे, इसको बना लेते हैं हम सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में किसकी वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या है k q / r स्क्वायर इनटू r कैप, और दूसरी इक्वेशन में आपके पास है एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर इज इक्वल टू एन कैपिटल ds। अब देखो स्टूडेंट्स आप ऊपर रिजल्ट में ध्यान दें, e डॉट ds, e यहां पे है ds यहां पे है, इसका मतलब अगर हमें e डॉट ds लेना है तो दोनों इक्वेशंस की क्या करेंगे डॉट प्रोडक्ट, देखो यहां पे डॉट प्रोडक्ट हो रखी है, पहली इक्वेशन ये रही दूसरी इक्वेशन ये रही, हमें चाहिए e डॉट ds, तो इसका मतलब e और ds की क्या कर देंगे डॉट प्रोडक्ट। तो अब अपना नेक्स्ट स्टेप यहीं से दिखा रहा है गॉस कि भाई आप इन दोनों इक्वेशंस की क्या करेंगे डॉट प्रोडक्ट, टेकिंग डॉट प्रोडक्ट ऑफ दीज टू इक्वेशन, तो ये बनेगा भाई
लेफ्ट हैंड के साथ करेंगे E डॉट डी एस इज इक्वल टू ये वैल्यू ऑपरेट करें के क्यू बाय आर स्क्वायर आर कैप डॉट एम कैप डी एस ये हो जाएगा। अब इसी इक्वेशन में देखें ये इंटीग्रल है इंटीग्रेट करें तब ये इक्वेशन बन गई अपनी थर्ड क्योंकि अब इंटीग्रेशन का निशान है ना तो इंटीग्रेशन हमने लेके आना है तो इसका मतलब अब इस इक्वेशन का इंटीग्रेट करें इंटीग्रेट बोथ साइड तो ये बन जाएगा इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ की क्यू आर स्क्वायर आर कैप डॉट एन कैप डी एस क्लोज सरफेस पे हमने ये लेके चलना है तो E डॉट डी एस इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ के क्यू बाय आर स्क्वायर आर कैप डॉट एन कैप इनटू डी एस। अब देखो स्टूडेंट्स ये आपका के क्यू बाय आर स्क्वायर क्या है सारी स्केलर क्वांटिटीज हैं तो इसका मतलब हम इनको इंटीग्रल से बाहर ले सकते हैं। अब मैं यहां से रफ कर रहा हूं इसको इंटीग्रल से बाहर ले करके देखो कैसे सोल्व करेंगे इसको इंटीग्रल ऑफ E डॉट डी एस इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर को बाहर लें के क्यू बाय आर स्क्वायर इंटीग्रल के अंदर क्या रह जाएगा आर कैप डॉट एन कैप डी एस आर कैप डॉट एन कैप डी एस तो ये हो जाएगा के क्यू ओवर आर स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ अब यहां पे फिर से वही आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं फर्स्ट वेक्टर टू वेक्टर दो वेक्टर है दोनों वेक्टर की क्या हो रखी है डॉट प्रोडक्ट तो दोनों वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट को ओपन करो भाई आर कैप फर्स्ट का मैग्नीट्यूड सेकंड का मैग्नीट्यूड एंड कोस ऑफ एंगल बिटवीन देम दैट इज थीटा इनटू डीएस और दिस विल इंप्लाइज के क्यू ओवर आर स्क्वायर अंदर क्या हो जाएगा अब इसको ओपन करें इंटीग्रल ऑफ आर कैप क्या है भाई यूनिट वेक्टर एन कैप भी क्या है यूनिट वेक्टर दोनों ही दो यूनिट वेक्टर हैं और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आप क्या जानते हैं यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड वन वन डॉट ये भी वन डॉट आर आपका बाहर की तरफ था एन भी बाहर की तरफ है दोनों के बीच एंगल कितना हो गया जीरो यानी कि कोस ऑफ जीरो एंड इनटू डीएस और कोस जीरो भी क्या होता है वन तो ये तीनों टर्म्स वन ये अपने पास बचेगा के क्यू आर स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ डी एस रह जाएगा भाई ये तीनों टर्म्स क्या हो जाएंगी वन इंटू वन इंटू वन वन इंटू वन इंटू वन वन और वन मल्टीप्लाइड बाई डी एस डी एस दैट इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ डी एस है। अब देखो भाई यहां पे फिगर पे आए ऐसी सरफेस यहां पे भी बना सकते हैं यहां पे भी बना सकते हैं ऐसी सरफेस बहुत सारी बन गई और सभी को अगर हम जोड़े तो पूरा सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर बन जाएगा सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर का फॉर्मूला आपको ध्यान होगा वो होता है फोर पाई आर स्क्वायर सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर इज फोर पाई आर स्क्वायर के की वैल्यू ऑपरेट करें क्या होती है के की वैल्यू वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के ऊपर एज इट इज ओवर आर स्क्वायर नीचे एज इट इज और इंटू फोर पाई आर स्क्वायर। अब देखें कुछ टर्म कैंसिल होती है क्या फोर पाई से फोर पाई कैंसिल आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल क्या बचेगा अब क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ये अपना बचा राइट हैंड साइड की तरफ लेफ्ट हैंड साइड की तरफ क्या चला हुआ अपना ई डॉट डी एस इसका मतलब हम कह सकते हैं इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ये आपका रिजल्ट आ जाएगा स्टूडेंट्स किसका गॉस थ्योरम का। इसको ध्यान से सुनो एक बार और मैं रिपीट कर रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट हमें ये प्रूफ करना है कैसे प्रूफ करेंगे हमने एक सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज रखा और एक स्फीयर कंसीडर किया इंडक्शन की वजह से वो चार्ज कहां पे चला जाएगा उसके आउटर सरफेस पे यानी कि सारा पॉजिटिव चार्ज कहां पे गया आउटर सरफेस पे हमने इसके ऊपर एक छोटी सी सरफेस एरिया सेलेक्ट किया जिसका मैग्नीट्यूड क्या है डीएस और उसके ऊपर एक नॉर्मल ड्रॉ किया क्योंकि इस एरिया को हमने पहले वेक्टर बनाना है एरिया को वेक्टर बनाने के लिए अभी मैंने पांच मिनट पहले आपको मेथड बताया था कि वी ड्रो ए नॉर्मल ऑन दैट एंड द मैग्नीट्यूड गिव्स द मैग्नी एरिया ऑफ द दिस एरिया गिव्स द मैग्नीट्यूड एंड द नॉर्मल ऑन दिस एरिया गिव्स द डायरेक्शन ऑफ दैट एरिया तो वी कैन से दैट एरिया बिकम्स एरिया वेक्टर
अब इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी किस तरफ थी, बाहर की तरफ। यहां से अब हमें ई डॉट डीएस बनाना है, तो जो हमने रफ किया था वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा हमने पॉजिटिव चार्ज की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिखा था ई इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर इनटू आर कैप, उसको बना दिया था फर्स्ट इक्वेशन। एरिया वेक्टर को लिखा था डीएस वेक्टर इज इक्वल टू एन कैप इनटू डीएस, वो बन गई थी सेकंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशंस की क्या कर दी थी हमने, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट करने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट बचा था वो रिजल्ट बचा था के क्यू बाय आर स्क्वायर इनटू आर कैप डॉट एन कैप इनटू डीएस। अब जो ये यूनिट वेक्टर्स हैं, यूनिट वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट की तो हमारे पास आया फर्स्ट का मैग्नीट्यूड, सेकंड का मैग्नीट्यूड एंड कोस ऑफ एंगल बिटवीन देम। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है आपको पता है, 1, इसका भी 1, cos 0 क्या हो गया 1, और इनटू ds, 1 × 1 × ds आपका रहेगा ds, ds यानी कि होल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, और होल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर मींस 4πr² से r स्क्वायर k की वैल्यू ऑपरेट करेंगे तो 4π से 4π भी कैंसिल हो जाएगा और रिमाइंडर आपकी क्या बचेगी q/ε0। Hence we can say that e dot ds is equal to q/ε0, that is the required result of the Gauss theorem। अब हम करते हैं एप्लीकेशन ऑफ द गॉस थ्योरम। एप्लीकेशन गॉस थ्योरम के हमारे फिजिक्स में बहुत ही हैं, पर थ्योरी के हिसाब से हम करेंगे इसके चार एप्लीकेशंस, और इनमें सबसे पहले है कि आपसे पूछा जा सकता बोर्ड एग्जाम में कि आप प्रूफ कीजिए कि गॉस थ्योरम कैन प्रूफ द कूलम्स लॉ। तो हम मैं हेडिंग बना रहा हूं इसकी, गॉस थ्योरम कैन प्रूफ The Coulomb's law। अब Coulomb's law आपको ध्यान होगा क्या था, उसमें हम फोर्स निकालते हैं और फोर्स इज गिवन बाय F इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। मतलब हमने ये इक्वेशन निकालनी है किससे, गॉस थ्योरम से। तो देखो भाई हम इसको कैसे निकालेंगे, गॉस थ्योरम का रिजल्ट अपने पास है, हम लिखें अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। अभी हमने प्रूफ भी किया, ये क्या आया था गॉस थ्योरम का रिजल्ट, इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डीएस इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ध्यान करें ई डॉट डीएस भाई आपका क्या है, फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट डीएस एंड ई डॉट डीएस इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब इस रिजल्ट से ये कैसे मिलेगा, देखो स्टूडेंट्स बहुत सिंपल है स्टेप्स ये। इंटीग्रल ऑफ एक सिंगल चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपको ध्यान होना चाहिए क्या होता है, के क्यू ओवर आर स्क्वायर इंटू आर कैप, यह भी हम एज इट इज रख रहे हैं, इंटू डीएस वेक्टर, डीएस वेक्टर एज इट इज, के क्यू बाय आर स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा बाहर, तो के क्यू बाय आर स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ आर कैप डॉट एन कैप डीएस, ये एरिया वेक्टर इसकी जगह ऑपरेट किया r कैप डॉट n कैप इनटू ds इज इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट, और दिस विल इंप्लाइज k q ओवर r स्क्वायर इनटू, ओपन करोगे तो यहां पे क्या रह जाएगा आपका ds एंड इज इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ये क्या है, ये आप ध्यान करें दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिंगल चार्ज। आप इसको e रख दो तो E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सॉरी E इंटू डी एस इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ये के क्यू बाय आर स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है, यहां पे E लिख दिया और ये डी एस एज इट इज है एंड क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट एज इट इज। यहां से देखो स्टूडेंट्स, अब ये E को यहीं पे रखें हम और डी एस को आपके राइट हैंड साइड भेजें तो क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू डी एस। अब जो यहां पे इंटीग्रल था वो इंटीग्रल आपका इस डीएस पे लगा ही हुआ है, अभी ध्यान करेंगे ये इंटीग्रल आपका साथ में चल रहा है, इंटीग्रल ऑफ डीएस, इंटीग्रल ऑफ डीएस एंड इंटीग्रल ऑफ डीएस। एक सिंगल चार्ज था, अब एक बार सिमेट्री पे आए, सिंगल चार्ज था, सिंगल चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की सिमेट्री कैसे बनती है ये हम पहले पार्ट में कर चुके हैं, स्फेरिकल, कैसी बनेगी स्फेरिकल, और स्फेरिकल का मान लिया आर हमने कितना ले रखा, जो ये चलाई हुआ रेडियस आर, स्फेरिकल का सरफेस एरिया कितना हो जाएगा वो हम यहां पे अब ऑपरेट करने वाले हैं, तो ई इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट डीएस
ds, 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 and so on, total surface area of the sphere, that is 4 pi r square. ये E is equal to क्या आ गया Q, अब इसको थोड़ा सा modify करके रखे, 4 pi को आगे रखते, epsilon root के पीछे, 4 pi, epsilon naught, r square. इसको बनाया हमने first equation. ये हमारी आगे first equation. And we know, क्योंकि हमने Coulomb's law लेके आना है, और Coulomb's law क्या देता है, force, तो force की equation क्या है electric field में, F is equal to Q naught into इलेक्ट्रिक फील्ड F इज इक्वल टू क्यू नॉट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड की फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू आई हुई है क्या ये यहां से ही लेके आओ यहां पे तो F इज इक्वल टू क्या बन जाएगा क्यू नॉट इनटू कैपिटल Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर ये इक्वेशन बनी इसको हम बना दे सेकंड इक्वेशन अब ये सेकंड इक्वेशन एक बार स्टूडेंट्स वापस हम वहां पे जहां पे हमने प्रूफ करना था जो उसके ऊपर आ जाओ ये हमारे पास f is equal to q naught capital Q 4 pi epsilon naught r square आया है अब इस equation को भाई हमने ये second मानी थी और ये first मानी है अब इसको देखो इससे compare कैसे करेंगे f is equal to 1 by 4 pi epsilon naught की value यानी कि k की value ये हो जाएगी 1 by 4 pi epsilon naught q1 as it is और q2 as it is over r square इस equation से हमने ये equation बनाई अब इस इक्वेशन को ये वाली और इस इक्वेशन को कंपेयर करो f है ठीक है q1 की जगह पे आपका q नॉट हो गया और q2 की जगह पे कैपिटल q 4 pi epsilon naught as it is and r square as it is इसका मतलब हमने एक रिजल्ट जो ये हम गॉस थ्योरम से चले थे e dot ds is equal to q by epsilon naught इससे हम किस रिजल्ट पे पहुंचे हैं कूलम्स लॉ पे हेंस वी कैन से दैट गॉस थ्योरम से हम क्या निकाल सकते हैं कूलम्स लॉ अब जो ये f is equal to q1 q2 और 4 pi epsilon naught r square आया है इससे वापस हम इसके ऊपर भी जा सकते हैं बहुत सिंपल है जैसे देखो f is equal to आपके पास ये हो जाएगा q1 q2 over 4 pi epsilon naught r square यहां पे आप q1 की जगह पे आप q naught लगा लें q2 को आप q छोड़ दें तो ये हो जाएगा आपका k q naught q over r square f ये हो जाएगा हमें चाहिए e dot ds इलेक्ट्रिक फील्ड इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में रख दें q naught into e is equal to k q naught q over r square q naught से q naught cancel ये q naught यहां से cancel तो e is equal to क्या आ जाएगा k q by r square इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ds से फिर आपकी डॉट प्रोडक्ट करवा दें तो आपका वापस गॉस थ्योरम आ जाएगा सेकंड एप्लीकेशन रहेगा भाई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट वायर कंडक्टर हमें एक स्ट्रेट वायर होगा हमारे पास और उसके ऊपर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा लेट्स से ये हमने ए बी कोई वायर माना है और इसके ऊपर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होने का मतलब हर एक जगह पे चार्ज की वैल्यू क्या रहेगी सेम यहां पे एक वर्ड यूज कर रहे हैं भाई हम यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इसके बारे में मैं बता देता हूं आपको एक बार यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कोई भी अगर हमने जैसे अभी यहां पे हम वायर की बात कर रहे हैं तो स्ट्रेट हो गया इससे नेक्स्ट अगर हम सरफेस की बात करेंगे तो पूरी सरफेस जैसे ये आप बोर्ड देख रहे होगे बोर्ड एक सरफेस होगी इसके ऊपर हर एक पॉइंट पे मान लिया यहां पे चार्ज देखा यहां पे चार्ज देखा यहां पे चार्ज देखा यहां पे चार्ज देखा हर जगह पे चार्ज की वैल्यू सेम रहेगी तो इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्मली चार्ज क्या है डिस्ट्रीब्यूटेड है अब हमने एक वायर कंसीडर किया है ए बी इसके ऊपर चार्ज आपका यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और हम इसकी वजह से क्या निकालना चाह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और किसका यूज करके गॉस थ्योरम का ध्यान करें मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूं इस बात को एक स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं किसका यूज करके गॉस थ्योरम का यूज करके अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज कंसीडर किया तो इसके ऊपर भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी ऐसे बनेंगी यहां पे भी बना लें और हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी आउटवर्ड ही होंगी क्यों होंगी क्योंकि आपका इस वायर के ऊपर चार्ज कौन सा है पॉजिटिव और हमने पीछे पढ़ा था कि पॉजिटिव चार्ज आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को करता है जनरेट तो बाहर की तरफ जनरेट करेगा ये इस तरह से और सभी को मिला लेंगे तो आपके सामने कैसी सिमेट्री आ जाएगी सिलेंड्रिकल ये सिलेंड्रिकल सिमेट्री बन गई इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की
अब सिलेंड्रिकल सिमेट्री के ऊपर हमने एक छोटा सा एरिया सिलेक्ट कर लिया, ये भाई मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर देता हूं, ये एरिया सिलेक्ट किया, इस एरिया के ऊपर हमने नॉर्मल बनाया एन कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा कि एरो बने हुए हैं फिगर में, इलेक्ट्रिक फील्ड आपके किस तरफ रहेंगी, बाहर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ, नॉर्मल वेक्टर भी बाहर की तरफ, और इसका एरिया हमने चूज कर लिया, मान लिया डीएस। एक बार और बता रहे हैं, इनिशियली हमने क्या लिया था, स्ट्रेट कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमने इसके ऊपर ड्रॉ की, वो किस तरफ आ गई स्टूडेंट्स, बाहर की तरफ, क्योंकि सारे इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड होगी, तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ हो गया, बाहर की तरफ। हमने इस सिलेंड्रिकल शेप जो इलेक्ट्रिक फील्ड का बना है इसके ऊपर छोटा सा एरिया सेलेक्ट किया है, वो छोटा सा एरिया हमने डीएस मान लिया। इस डीएस को वेक्टर बनाने के लिए हमने इसके ऊपर एक नॉर्मल ड्रॉ किया, वो नॉर्मल क्या हो गया अपना एन कैप। तो इस फिगर से हम इसको डिराइव करेंगे। गॉस थ्योरम क्या कहती है, आप इस रिजल्ट को भूलेंगे नहीं, क्योंकि इसी से हम कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये रिजल्ट है गॉस थ्योरम का, इसको आप बना दो फर्स्ट। अब इसके अंदर डीएस की वैल्यू रखें, इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डीएस, डीएस क्या आया था, एन कैप इंटू डीएस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, पहला वेक्टर, दूसरा वेक्टर, दोनों के बीच में डॉट है तो आप डॉट प्रोडक्ट करो। और एक बात ध्यान रखें फिगर के ऊपर भी कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ है, एन कैप भी बाहर की तरफ है, दोनों के बीच एंगल कितना बन रहा है, जीरो डिग्री। इसका मतलब उस बात को ध्यान रखेंगे क्योंकि कोस आएगा डॉट प्रोडक्ट ओपन करते ही, फर्स्ट का मैग्नीट्यूड सेकेंड का मैग्नीट्यूड एंड कोस ऑफ एंगल बिटवीन देम, दोनों डायरेक्शन सेम है तो एंगल कितना हो गया, थीटा इज इक्वल टू जीरो, तो कोस जीरो इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये यूनिट वेक्टर था, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा वन, और कोस जीरो भी क्या हो जाएगा वन, यानी कि यहां से क्या रह जाएगा, और ये डीएस भी आएगा वही साथ में, डीएस का ध्यान रखें, तो ई इंटू डीएस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ई आपका बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल ऑफ डीएस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इंटीग्रल ऑफ डीएस इसका मतलब यहां ये सरफेस एरिया, सभी सरफेस एरियाज को हम क्या कर देंगे, ऐड, ऐड करेंगे। तो देखो भाई ये अपने पास सिलेंडर हो गया, सिलेंडर का सरफेस एरिया आपको पता होना चाहिए, क्या फार्मूला होता है सिलेंडर का सरफेस एरिया होता है, टू पाई आर एल, ध्यान करेंगे, इफ एल इज द लेंथ ऑफ द सिलेंडर एंड आर इज द रेडियस ऑफ द सिलेंडर। सिलेंड्रिकल सिमेट्री है अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड की, सिलेंड्रिकल सिमेट्री में हमें यहां सरफेस एरिया चाहिएगा सिलेंडर का, सिलेंडर का सरफेस एरिया आप फॉर्मूला ध्यान करें, 2 पाई आर एल, वेयर एल इसकी क्या ली है हमने लेंथ, तो यहां पे भी हम एल को लेंथ ही चूज करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका ई इंटू टू पाई आर एल इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। यहां से ई के लिए रिलेशन देखो भाई, इस 2 पाई आर एल को उधर भेज दो, क्यू ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू एल, इसको बना दिया हमने सेकेंड इक्वेशन। अब जो ये वायर लिया था हमने, और वायर के ऊपर ये कहा था कि चार्ज क्या है भाई, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, वायर के ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, और इसकी लेंथ कितनी ली है एल, इसका मतलब यहां पे हम चार्ज डेंसिटी निकाल सकते हैं, और चार्ज डेंसिटी भी हम यहां पे बोलेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी, और लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम नोट करते हैं लैम्डा से, और लैम्डा इज इक्वल टू होती है चार्ज पर यूनिट लेंथ, यानी कि यहां से क्यू की वैल्यू निकालें क्रॉस मल्टीप्लाई से, तो क्यू क्या आ जाएगा लैम्डा इंटू एल, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से क्यू आ जाएगा लैम्डा इंटू एल, सेकेंड में ये क्यू रहा, मतलब ये वैल्यू अब कहां यूज करने वाले हैं हम सेकंड में, तो हमारे पास ये आ जाएगी, मैं यहां यूज कर रहा हूं इसको, यूजिंग द वैल्यू ऑफ चार्ज इन टर्म ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी इनटू इक्वेशन सेकंड, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा भाई, क्योंकि जगह लैम्डा एल यूज कर रहे हैं, लैम्डा इनटू एल ओवर टू पाई एप्सिलॉन नॉट आर एल है ही नीचे आर एल, तो एल से एल कैंसिल,
this will implies E is equal to lambda over 2 pi epsilon naught r. That is required relation for the electric field due to a straight conductor. ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हुआ भाई हमारा स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से. एक बार और रिपीट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ध्यान करें, बहुत ही आसान है. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट कंडक्टर किसकी हेल्प से हम निकाल रहे हैं? गॉस थ्योरम की हेल्प से. हमने क्या लिया पहले, एक स्ट्रेट कंडक्टर जिसकी लेंथ कितनी है एल, और उसके ऊपर चार्ज क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. गॉस थ्योरम से हमने रिजल्ट निकाला ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, इसको हमने बना लिया फर्स्ट इक्वेशन. ds यानी कि जो एरिया वेक्टर था, एरिया वेक्टर की जगह पे हमने क्या रखा, इसकी जगह पे n कैप इनटू ds. e डॉट n कैप इनटू ds इज इक्वल टू बन गया हमारा बेटा q बाई एप्सिलॉन नॉट. e डॉट n कैप यानी कि इसकी डॉट प्रोडक्ट ओपन कर रहे हैं हम, फर्स्ट का मैग्नीट्यूड, सेकंड का मैग्नीट्यूड एंड cos ऑफ एंगल बिटवीन देम. इन दोनों के बीच में एंगल हम यहां पे फिगर में पहले ही क्लियर कर चुके हैं, कितना एंगल है भाई, 0. cos 0 आ गया. यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी 1, cos 0 भी 1. ये दो टर्म तो खत्म हो गई यहां से, केवल क्या बचा e, और इधर से बच गया ds, e डॉट ds. e भी क्या है, मैग्नीट्यूड, वो आ गया बाहर, e इंटीग्रल ऑफ ds q / एप्सिलॉन नॉट. और ds यानी कि अब यहां पे मैंने बताया था आपको सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होता है, वो होता है 2 पाई r l. 2 पाई r l ऑपरेट किया, इस 2 पाई r l को उधर भेजेंगे हम राइट साइड में, तो हमारे पास आ गया q by 2 pi epsilon naught r into l. ये जो q है, इस q को अब हम निकालना चाह रहे हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी के टर्म में. लीनियर चार्ज डेंसिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ. टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ, यहां से टोटल चार्ज की वैल्यू आ जाएगी लैम्डा इनटू l. ये q की वैल्यू लैम्डा इनटू l यहां पे ऑपरेट करेंगे सेकंड इक्वेशन में. सेकंड इक्वेशन में ऑपरेट करने के बाद ये आ गया लैम्डा इनटू l ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r l. l से l कैंसिल, तो e इज इक्वल टू लैम्डा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r. ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी और इसकी डायरेक्शन रहेगी आउटवर्ड. तो ये सेकंड एप्लीकेशन था स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड हम स्टेट वायर की वजह से निकाला है गॉस थ्योरम का यूज करके. नेक्स्ट एप्लीकेशन है भाई हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ चार्ज प्लेट. इसका मतलब भाई अब हमारे पास, जैसे अभी हमने जो सेकंड एप्लीकेशन किया, सेकंड एप्लीकेशन में हमने एक वायर लिया था, वायर आपका एक यूनिडायरेक्शनल होता है, यूनिडायरेक्शनल मतलब वन डायमेंशन. अब हम यहां पे लेने वाले हैं सरफेस यानी कि प्लेट, और प्लेट हो गई आपकी टू डायमेंशनल. देखो कैसे करेंगे अब इसको टू डायमेंशनल को. मान लिया ये हमारे पास कोई प्लेट है, और इसने देखो यहां पे एक वर्ड बोला है इनफाइनाइट. इनफाइनाइट लेंथ का मतलब हम यहां से फाइनाइट नहीं है, श्योर नहीं है कि इतनी ही है, तो इसलिए इसको इनफाइनाइटली ऐसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं. ये एक हमारे पास प्लेट है जिसकी लेंथ इनफाइनाइट है और यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इसके ऊपर पॉजिटिव. इसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाह रहे हैं, और किसका यूज करके, गॉस थ्योरम का यूज करके. इसके ऊपर कंसीडर कर लेते हैं भाई सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा. ये हम ब्रैकेट में लिख भी देते हैं, क्या है ये, सरफेस चार्ज डेंसिटी. और ध्यान रहे सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है स्टूडेंट्स टोटल चार्ज बाई टोटल सरफेस एरिया. अगर हम इसको स्मॉल में टर्म में कंसीडर करना चाहें तो स्मॉल चार्ज बाय स्मॉल सरफेस एरिया इसका यूज करेंगे. सिग्मा इज इक्वल टू डी क्यू बाय डी एस. कंसीडर कर लेते हैं यहां पे कोई पॉइंट पी है जिसके ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं इस प्लेट की वजह से. अब ध्यान करें इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे प्लेट को कंसीडर करेंगे. लेट से ये हमारे पास एक प्लेट है, इस प्लेट के ऊपर चार्ज है इधर से, ये देखें ये पूरा यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज है. इसकी लेंथ का नहीं पता हमें, ऊपर ना पता नीचे पता, ऊपर कितनी है नीचे कितनी हमें नहीं पता. एक प्लेट, एक एरिया ये हो गया, दूसरा एरिया ये हो गया, दोनों के ऊपर चार्ज है सेम है यूनिफॉर्मली. अब जो ये पी पॉइंट है, ये पी पॉइंट हमने यहां पे कंसीडर किया हुआ है किसी भी डिस्टेंस फाइनाइट पे. मान लिया ये डिस्टेंस हम ले लेते हैं आर, इस प्लेट से यहां तक ये हमने आर चूज किया इस पॉइंट पे. अब अगर ये यहां से r डिस्टेंस के ऊपर कोई पॉइंट p है, तो
तो सिमिलरली इस एंड से भी तो r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट p हो सकता है, इसका मतलब इस डिस्टेंस पे और इस डिस्टेंस पे लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, सेम। यानी कि ये प्लेट ऐसे रखी है, इस प्लेट के इतनी ही डिस्टेंस पे कोई एक और पॉइंट होगा, इसको भी हम p डैश मान लेते हैं, इसके ऊपर भी इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही होगा ना जितना यहां पे है, क्योंकि दोनों साइडेड से सेम चार्ज है। इसका मतलब अब ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसको ऐसे भेजेगा, भाई ध्यान करें, इधर भी और इधर भी। तो इसका मतलब ये जो P पॉइंट है, इस P पॉइंट के ऊपर अगर हम ज्योमेट्री देखें कैसी बन रही है, तो वो बन जाएगी सिलेंड्रिकल, ये देखिए। अब मैं और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को कर रहा हूं रफ, क्योंकि आपको क्लियर हो जाए, ताकि ये तो R थी, इनको अब मैं रफ कर रहा हूं, अब आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन किसकी बात कर रहे हैं हम, कैसे सिलेंड्रिकल हो जाएगा ये। जी ये पॉइंट हमने चूज किया, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल आएंगी ऐसे, ये आ रही है और इसके ऊपर भी ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल आएंगी। तो अब मेरे ख्याल में आपको क्लियर हो गया होगा कि हम क्या बात कर रहे हैं, एक बार और रिपीट कर देता हूं, क्योंकि यही बात समझने की है, आगे इसमें कुछ नहीं बचता है। प्लेट लिया, प्लेट के ऊपर पॉजिटिव इधर है, एक पॉइंट हमने चूज किया इधर, एक पॉइंट इधर चूज किया, तो दोनों की जो सिमेट्री बन रही है वो सिलेंड्रिकल जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल ऐसे। तो अब हमने इनकी वजह से पॉइंट्स P और P डैश के ऊपर हम निकालना चाह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, किसकी हेल्प से, गॉस थ्योरम की हेल्प से। तो बहुत सिंपल है, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम क्या कह रही है भाई, इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन। पहला स्टेप वही रखना है कि ds की वैल्यू रख दें, इंटीग्रल ऑफ E डॉट n कैप ds। अब ये ds क्या है, यहां पे फिगर में हमें क्लियर नहीं हो रहा, फिगर में क्लियर कर देता हूं मैं आपको। ये देखो, ये जो सरफेस एरिया सेलेक्ट किया है जिसके विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसको कवर कर रही है, ये आपका ds है, सरफेस एरिया ds, और ds को हमने नोट कर दिया n कैप इनटू ds से इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये q बाय एप्सिलॉन नॉट। अब बहुत सिंपल है, वही स्टेप्स आपके जाने पहचाने, दो वेक्टर हो गई, डॉट प्रोडक्ट हो गया, ओपन करेंगे तो फर्स्ट का मैग्नीट्यूड सेकंड का मैग्नीट्यूड एंड कोस ऑफ एंगल बिटवीन देम इज जीरो, ds इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये वन और ये वन, ये दोनों टर्म्स वन हो गए हैं, तो इसका मतलब ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ ई ds इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ई को आप बाहर निकाल दें, इंटीग्रल ऑफ ds इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन। इसको अभी मैं इंटीग्रल ऑफ ds में ही रख रहा हूं सरफेस एरिया, क्योंकि हमें नहीं पता इसकी जो ये प्लेट है, इस प्लेट की लेंथ कितनी है, इनफाइनाइट। अगर हमें फाइनाइट होती तो प्लेट कैसी शेप में होती स्टूडेंट्स, रेक्टेंगल शेप में। रेक्टेंगल का एरिया हम जल्दी से निकाल लेते हैं लेंथ इनटू ब्रेथ करके, पर इसकी लेंथ क्या दे रखी है, इनफाइनाइट, तो इसलिए हम इसका एरिया नहीं निकाल रहे, तो नहीं निकाल रहे तो अभी हम इसका एरिया को क्या चूज रख लेते हैं, E इंटीग्रल ऑफ ds व्हिच इज इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट। इसको बना दिया हमने फर्स्ट इक्वेशन। अब देखो भाई, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई है, इससे और आगे बढ़ेंगे, E इंटीग्रल ऑफ ds इज इक्वल टू जो ये q बाय एप्सिलॉन नॉट था, यानी कि ये जो q है, इस q के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, यहां पे देखें dq इज इक्वल टू सिग्मा और यहां पे है ds, इस ds को इधर भेज देंगे तो यहां से dq किसके इक्वल आ जाएगा, सिग्मा इनटू ds, dq इज इक्वल टू सिग्मा इनटू ds, पर हमें q चाहिए है तो q करेंगे तो यहां पे सिग्मा इनटू s, s क्या आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। तो अब इस q की जगह पे हम रखना चाह रहे हैं सिग्मा इंटीग्रल ऑफ ds डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा इंटीग्रल ऑफ s ओवर एप्सिलॉन नॉट, सरफेस एरिया से सरफेस एरिया कैंसिल आउट, तो E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये तो आ गया वन साइडेड, अगर हमें टू साइडेड चाहिए है तो इसको टू से मल्टीप्लाई कर लो, टू इंटू E इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, इस टू को उधर भेज दें तो E इज इक्वल टू सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट। यहां पे मैं ये पॉइंट फिर से बताना चाह रहा हूं, E इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ये आया हमारा वन साइडेड,
बोथ साइडेड करें तो टू टाइम्स हो जाएगा, टू टाइम्स कर दिया दोनों साइड टू टाइम्स करने का कोई फायदा नहीं, दोनों टाइम्स अगर टू टाइम्स कर दिया तो इसका मतलब दो यहां से कट गया दो यहां से कट गया, बात वही है। एक साइड करना हमने 2e is equal to sigma by epsilon naught, इस 2 को आप उधर भेजेंगे तो e is equal to sigma by 2 epsilon naught, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ जाएगा एक प्लेट की वजह से जिसकी लेंथ क्या थी स्टूडेंट्स इनफाइनाइट। नेक्स्ट हम एप्लीकेशन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू पैरेलल इनफाइनाइट लेंथ प्लेट्स। अभी तो हमने स्टूडेंट्स एक प्लेट की वजह से किया, एक प्लेट की वजह से मैं लिख लेता हूं क्योंकि उसका यूज करने वाला हूं, क्या आया था हमारा a is equal to sigma by 2 epsilon naught। एक बार ध्यान करें ये जो सिग्मा है आपकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है और epsilon naught आपका इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, इसका यूज करेंगे। अब जो हमारे पास डाउट है वो डाउट है कि टू पैरेलल प्लेट्स हैं भाई हमारे पास इनफाइनाइट लेंथ की, एक प्लेट ये हो गई इसकी लेंथ इनफाइनाइट है और दूसरी प्लेट ये होगी इसकी भी लेंथ इनफाइनाइट है, दोनों ही यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है दोनों के ऊपर, तो हमने पॉजिटिव से कंसीडर कर लिया कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है। कंडीशन ये है इसमें कि भाई एक प्लेट दूसरी प्लेट के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखी है, ये वन प्लेट है ये सेकेंड प्लेट है, ये प्लेट इसके फील्ड में है और ये प्लेट इसके फील्ड में है। तो अब हम कंसीडर कर लेते हैं, मान लो जो ये पहली प्लेट है इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी को मान लिया सिग्मा 1, दूसरी जो चार्ज प्लेट है इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी को मान लिया सिग्मा 2, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया E1 और इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया E2। अब जैसा कि अभी हमने कंसीडर किया है कि दिस प्लेट इज इन टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस एंड दिस प्लेट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस, it means we can say that the electric field of this first plate is also present here and electric field of this plate also present here, yani ki ye plate iske field mein hai ye plate iske field mein hai, hum keh sakte hain ki is plate ka jo electric field hai wo yahan pe present hoga aur iska electric field kahan present hoga yahan pe, to isko represent kar rahe hain, jaise ek plate ye hogi aur dusri plate ye hogi, इन दोनों प्लेट्स का इलेक्ट्रिक, ये प्लेट पहली वाली ये दूसरी वाली दोनों एक दूसरे के क्या है फील्ड में, इसका मतलब इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है चारों तरफ वो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके पीछे तक है और इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसके पीछे तक है, तो इसका मतलब हम इनको दिखा सकते हैं E1 इधर भी होगा और E1 इधर भी होगा, E1 इधर भी होगा। अब E2 को देखो, E2 इधर भी होगा, E2 इधर भी होगा और E2 यहां पे भी होगा, डायरेक्शन के साथ मैंने बता दी प्रेजेंस, E1 और E2 दोनों हैं यहां पे, दोनों आपके राइट हैंड साइड की तरफ जा रहे हैं और इधर E1 और E2 हैं, ये दोनों किस साइड जा रहे हैं लेफ्ट हैंड की तरफ, पर बीच में देखें तो E1 जा रही है राइट हैंड की तरफ और E2 जा रही है लेफ्ट हैंड की तरफ। ये प्रॉब्लम एक बार और मैं रिपीट कर रहा हूं क्योंकि आगे जो स्टेप्स हैं इन्हीं पे बेस्ड हैं। अब मैं एक बार और बता रहा हूं, एक प्लेट दो प्लेट, दो प्लेट पैरेलल रखी हुई है, ये जैसे आपको सामने से विजन हो रहा है ऐसा नहीं है कि ऐसे रखी हुई है पैरेलल, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पहली वाली प्लेट ये थी यहां प्रेजेंट होगी और यहां भी और इधर भी, इसकी वजह से यहां भी बीच में और लास्ट में जैसा यहां से दिखाया गया मैंने कि E1 इधर भी है इधर भी है लेफ्ट और राइट होगी और ये E1 उधर भी है क्योंकि ये प्लेट इसके फील्ड में रखी हुई है, सिमिलरली इसकी वजह से हो जाएगी। अब हमारे पास तीन रीजन हो गए हैं, फर्स्ट ये रीजन हो गया इसमें निकालेंगे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा रीजन ये हो गया इसमें निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और थर्ड रीजन ये हो गया इसमें निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। एक सिंगल प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने यहां कोने में रख रखा पहले ही जो हम पहले निकाल चुके हैं। अब देखो स्टूडेंट्स इसको कैसे करेंगे, एक साइन कन्वेंशन ओबे करना है इसमें, जो साइन कन्वेंशन ओबे करेंगे वही याद रखेंगे तो बहुत इजी रहेगा। देखो बहुत सिंपल ट्रिक है ये याद रखने की, आप ऐसे हैं पेज भी लिख रहे, पेज ले रखा है या बोर्ड ले रखा कैसे भी देखें, आपकी जो लेफ्ट हैंड की तरफ एरोज हैं ये रही, लेफ्ट हैंड की तरफ जो एरोज होंगी वो दोनों सारी नेगेटिव लेनी है, जैसे अभी यहां फर्स्ट रीजन की अगर हम बात करेंगे तो E1 भी नेगेटिव कंसिडर कर लेंगे और E2 भी नेगेटिव कंसिडर कर लेंगे, बीच में बात करें
तो E1 आपकी राइट हैंड की तरफ एरो है, तो ये लिया जाएगा पॉजिटिव, E2 लिया जाएगा नेगेटिव। यहां पे बात करें तो ये दोनों आपकी राइट हैंड साइड की तरफ हैं, तो दोनों हमारी क्या ली जाएंगी पॉजिटिव। तो अब देखो फर्स्ट रीजन के पहले मैं इसके साइन कन्वेंशन रख देता हूं। साइन कन्वेंशन आप बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज है, ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड टुवर्ड लेफ्ट हैंड साइड आर टेकन एज नेगेटिव। दूसरा पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड्स डायरेक्टेड टुवर्ड राइट हैंड साइड आर टेकन एज पॉजिटिव। ये ध्यान रखेंगे भाई, दो साइन कन्वेंशन बोले हैं हमने, राइट हैंड की तरफ पॉजिटिव और लेफ्ट हैंड की तरफ नेगेटिव। तो अब इन साइन कन्वेंशन पे चल के हम देखो इसको कैसे डिराइव करते हैं। पैरेलल प्लेट की वजह से इसके इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ फर्स्ट प्लेट फॉर्मूला आपके सामने है, इसको आप E1 से नोट कर रहे हैं, तो E1 इज इक्वल टू सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, इसमें यूज किया है E इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। पहले के लिए सिग्मा हमने क्या ले रखा है, सिग्मा 1, तो इसका मतलब E1 इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेकेंड प्लेट वो हो जाएगा भाई E2 इज इक्वल टू सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इसको बना दिया फर्स्ट इक्वेशन और ये बन गया आपकी सेकंड इक्वेशन। यहां तक अगर आपको समझ आया होगा तो आगे बहुत सिंपल है, E1 is equal to sigma 1 by 2 epsilon naught और E2 is equal to sigma 2 by epsilon naught। देखो स्टूडेंट्स अब कैसे करेंगे, अभी हमने जो साइन कन्वेंशन बताए थे मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड्स टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड आर टेकन एज नेगेटिव एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड आर टेकन एज पॉजिटिव। अब हम बात करते हैं इस फर्स्ट रीजन की। फॉर फर्स्ट रीजन, फर्स्ट रीजन में दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स क्या लेनी है नेगेटिव, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू माइनस ऑफ E1 एंड माइनस ऑफ E2, ये हो जाएगा। हम साइन कन्वेंशन पे चलेंगे और E1 और E2 की वैल्यू आपके पास है ही फर्स्ट और सेकंड में, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू इस E1 की जगह पे क्या रखेंगे सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 की जगह क्या रखेंगे सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। यहां से कॉमन टर्म क्या बन रही है, कुछ दिख रहा है क्या, बिल्कुल है हमारे पास, माइनस भी है और 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि माइनस 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन टर्म और इनटू क्या बचेगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया किस रीजन में, फर्स्ट में, यहां का क्लियर। अब इसकी बात करते हैं सेकेंड की। सेकेंड रीजन के लिए, फॉर सेकेंड रीजन, सेकेंड रीजन में देखो E1 आपकी राइट हैंड की तरफ है, E2 लेफ्ट की तरफ है, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा E1 इज पॉजिटिव एंड E2 इज नेगेटिव, तो E इज इक्वल टू E1 की जगह क्या रखें सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट और E2 की जगह है माइनस सिग्मा 2 ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। ये दोनों वैल्यूज रखी, अब इनको मैं रफ कर देता हूं यहां से। अब इसको सोल्व करें तो E इज इक्वल टू 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन और अंदर रह जाएगा भाई हमारा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। ये हो गया सेकंड रीजन के लिए। अभी मैं इनको ब्रैकेटाइज कर रहा हूं, ये फर्स्ट के लिए था, ये सेकंड के लिए हो गया। अब बात करें थर्ड के लिए, थर्ड में देखो दोनों आपकी राइट हैंड की तरफ है, तो दोनों को हम क्या ले लेंगे पॉजिटिव, तो दोनों को पॉजिटिव लीजिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन थर्ड रीजन, थर्ड रीजन में दोनों ये क्या है हमारी पॉजिटिव लेनी है, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बन जाएगा E इज इक्वल टू E1 प्लस E2, E1 की वैल्यू रखो सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ले लिया हमने, यहां से 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन, अंदर क्या रह जाएगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। ये हो गया हमारा थर्ड के लिए।
अब देखो हमने तीनों रिजल्ट को रेक्टेंगल में बंद कर लिया है, फर्स्ट रीजन, सेकंड रीजन और थर्ड रीजन। अब इनके ऊपर हम थोड़ा सा और डिस्कस करना चाह रहे हैं। मान लीजिए हमारे पास जो ये दो प्लेट हैं, दोनों प्लेट के ऊपर सेम चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड और यूनिफॉर्मली चार्ज ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड है ही, तो इसका मतलब इसके लिए जो सिग्मा होगा और इसका सिग्मा होगा क्या होगा, सेम। तो अब वो केस बना रहे हैं, इफ सिग्मा वन इज इक्वल टू सिग्मा टू और दोनों सेम है तो हम दोनों को क्या मान लेते हैं, सिग्मा के बराबर। तो अब सिग्मा वन और सिग्मा टू बराबर हो तो स्टूडेंट्स इन रिजल्ट्स पे क्या फर्क पड़ेगा, देखो बिल्कुल क्लियर है। अगर सिग्मा वन और सिग्मा टू बराबर हैं तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, ई इज इक्वल टू माइनस वन बाय टू एप्सिलॉन नॉट इंटू सिग्मा प्लस सिग्मा, क्योंकि सिग्मा वन और सिग्मा टू दोनों बराबर है और सिग्मा के बराबर, तो यहां सिग्मा रख दिया, सिग्मा सिग्मा क्या हो जाएंगे, टू सिग्मा माइनस टू सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट, यानी कि टू से टू कैंसिल आउट, ये क्या बचेगा माइनस सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा आपका फर्स्ट रीजन में, यानी कि बिल्कुल लेफ्ट हैंड की तरफ कितना बना, माइनस सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। दूसरा रीजन कहां आया हुआ था, ये सेकेंड रीजन के लिए, ये रहा। इसमें अगर हम ऑपरेट करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द सेकेंड रीजन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द फर्स्ट था, तो दैट इज 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। यहां पे सिग्मा माइनस सिग्मा करेंगे क्योंकि दोनों सेम है, सेम ऑपरेट कर दी वैल्यू, तो सिग्मा माइनस सिग्मा यानी कि ये जीरो वैल्यू बचेगी और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, जीरो। सेकेंड रीजन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया हमारा जीरो। फॉर द थर्ड रीजन, ये थर्ड रीजन के लिए केस है, ई थर्ड लिख देते हैं इसको, तो ई थर्ड इज इक्वल टू सिग्मा और सिग्मा, यानी कि यहां पे सिग्मा और सिग्मा रख देनी है, सिग्मा सिग्मा टू सिग्मा, टू सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट, टू से ये टू कैंसिल आउट, ये बचेगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो स्टूडेंट्स हमने दो प्लेट्स के बीच में तीन रीजन पे इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाला है, फर्स्ट रीजन, सेकंड रीजन और थर्ड रीजन। फर्स्ट रीजन के लिए ये रहा E इज इक्वल टू माइनस सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सेकंड रीजन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया हमारा जीरो और थर्ड रीजन के लिए हो गया सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अब यहां से क्वेश्चन देखो नीट में कैसे बनते हैं, इसके ऊपर एक एक नंबर के क्वेश्चन ऐसे बनेंगे। लेट वी हैव टू प्लेट्स, टू हैव चार्ज प्लेट्स एंड हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम, देन व्हाट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड बिटवीन दीज टू प्लेट्स। ऑप्शंस नीचे गिवन होंगे, वन टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट और जीरो। तो आप क्लियरली इसका जवाब दे सकते हो इस आर्टिकल में, इसने ये बोला है क्वेश्चन में कि दो प्लेट हैं, दोनों के ऊपर सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी है, तो उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, कितना है यहाँ पे, जीरो। तो आपका इस क्वेश्चन में ऑप्शन रहना चाहिए जीरो। दूसरा क्वेश्चन ये ऐसे बन सकता है, वी हैव टू पैरेलल प्लेट्स हैविंग लेंथ इनफाइनाइट एंड कंटिन्यूसली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, आप इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ उनके राइट साइड में। राइट साइड का मतलब कौन से रीजन पे गए हैं हम, थर्ड रीजन पे, और थर्ड रीजन पे क्या हुआ, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। इसी क्वेश्चन को दूसरे वे से ऐसे पूछा जाता है कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू चार्ज प्लेट्स हैविंग सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू चार्ज प्लेट्स एंड वेयर इट इज, कहां होगा ये। तो आप देखो तीन वैल्यूज आपको मिली हैं, बिल्कुल लेफ्ट की तरफ तो माइनस सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, बीच में कितना है जीरो, और बिल्कुल राइट में कितना है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। इन तीनों वैल्यूज में आप कंपेयर करके बता सकते हो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और ये किधर है, बिल्कुल राइट में। तो टुवर्ड्स राइट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी शुड बी मैक्सिमम। तो स्टूडेंट्स ये हमने एप्लीकेशन किए हैं गॉस थ्योरम के, चार एप्लीकेशंस थे, एक बार मैं ओरली रिपीट कर देता हूं। फर्स्ट एप्लीकेशन में हमने बोला था कि कूलम्स लॉ को स्टेट किया था किससे, गॉस थ्योरम से। सेकंड एप्लीकेशन में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी एक लीनियर चार्ज वायर की वजह से जो इसके ऊपर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था, और थर्ड एप्लीकेशन में हमने एक प्लेट को लिया था और फोर्थ में हमने दो प्लेट को लिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस थे गॉस थ्योरम के, और ये इसका थ्योरेटिकल पार्ट यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं, और वो वीडियो भी आप जरूर देखें क्योंकि फिजिक्स के अंदर थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और न्यूमेरिकल्स ही आपके नीट, पीएमटी, आईआईटी वगैरह में पूछे जाते हैं,
और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मैक्सिमम शेयर करें और इसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।